Problems have meant Obama's had to do a lot more than just what he campaigned on. मेगाफोन ये एक बहुत ही कमाल का चीज है, इसमें धीरे से बोलने से लाउड सुनाई देता है। तो आज हम इस वीडियो में एक माइक एम्पलीफायर सर्किट यानी मेगाफोन का सर्किट को बनाने वाले हैं और हर प्रोजेक्ट की तरह इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हो सकता है लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ICLM386 ये एक HP का IC है और ये एक बहुत ही कॉमन IC है। तो आपको ये लोकल मार्केट पे से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने सुविधा के लिए सारे पिनों को इस तरह से सीधा कर लूंगा। ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड और 63 वोल्ट का। तो इसका नेगेटिव लेग को IC का पिन नंबर 8 के साथ और पॉजिटिव लेग को IC के पिन नंबर 1 के साथ सोल्डिंग कर दूंगा। उसके बाद एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेके IC का पिन नंबर 2 और 4 को कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद लेने पर 103 PF का एक सिरेमिक कैपेसिटर और उसका एक पिन को मैं इस तरह से IC का पिन नंबर 3 के साथ सोल्डिंग कर दूंगा। आप लेने पर 10K का एक प्रीसेट और देख सकते हो उसका फर्स्ट पिन को मैंने सिरेमिक कैपेसिटर का दूसरे पिन के साथ सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद ले लिया एक रजिस्टर 10K का, तो उसके एक पिन को मैंने जोड़ दूंगा IC का पिन नंबर 6 के साथ और दूसरे पिन को मैं जोड़ दूंगा प्रीसेट का ये वाला सेकेंड नंबर पिन के साथ। आप लेना पड़ेगा कंडेंसर माइक और ये आपको किसी भी पुराने हेडफोन में से आसानी से मिल जाएगा। और देख सकते हो इसका पिन आउट इस तरह से होता है, जिस साइड इस तरह से बॉडी से कनेक्ट रहता है वो ग्राउंड है और दूसरी साइड पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को यहाँ पर हम इस रजिस्टर वाले पॉइंट के साथ और नेगेटिव को दूसरे पॉइंट के साथ सोल्डिंग कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप को समझ रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। उसके बाद लेना पड़ेगा 100 UF और 25 वोल्ट का कैपेसिटर और इसका पॉजिटिव पॉइंट को IC का पिन नंबर 5 के साथ सोल्डिंग कर देना होगा। तो दोस्तों अब ये सर्किट लगभग कंप्लीट हो गया, आप सिर्फ बैटरी और स्पीकर को लगाना बाकी है। और दोस्तों बात होती है एक बहुत ही सिंपल सर्किट था, फिर भी आपको समझने में दिक्कत आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं इसका पूरा सर्किट डायग्राम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से देखकर ही कनेक्शन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्शन करना भूल गया था, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेके IC का पिन नंबर 4 के साथ माइक का नेगेटिव को कनेक्शन कर देना है। तो चलिए अब एक स्पीकर को जोड़ लेते हैं और यहाँ पर आप किसी भी स्पीकर को लगा सकते हो। तो यहाँ पर स्पीकर का एक वायर को इस वाले कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट के साथ और दूसरे वायर को IC का पिन नंबर 4 के साथ सोल्डिंग कर देना पड़ेगा। सो फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और अगर इस चैनल पर नया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। तो देख सकते हो यहाँ पर हम एक 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी को ले लिया, तो इसका पॉजिटिव वायर को हम कनेक्ट कर देंगे IC का पिन नंबर 6 के साथ यानी जिस पिन पर रजिस्टर जुड़ा है और नेगेटिव वायर को जोड़ देंगे IC का पिन नंबर 4 के साथ। और देख सकते हो ये वायर IC का फोन नंबर पिन के साथ ही जुड़ा है, तो हम यहाँ पर भी सोल्डिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड अभी पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं।